सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं फिर से जो है प्राइवेट कंपनी के जॉब लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पूरे डिटेल्स ऑफ एशियन पेंट की कंपनी की तरफ से क्या वैकेंसीज आया है, किस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे जो है पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, अपडेटेड न्यूज़ यहाँ पे आया है, तो इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके किस तरह से जो है आप लोग एप्लीकेशन कर सकते उसी के बारे में पूरा जानकारी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों के पास रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना क्या और जानकारी चाहिए। इसी के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया गया है, अगर आप चाहते हो वहाँ पे जाके भी मेरे साथ बात कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है एशियन पेंट, जहाँ पर बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हुआ है, तो पहले यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ क्या पोस्ट यहाँ पर जो है अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ऑफिसर ऑफ सेल्स की डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट निकला हुआ है, रिसर्चर के लिए पोस्ट निकला हुआ है, पैकिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट निकला हुआ है, प्रोजेक्ट सेल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट निकला हुआ है, कॉरपोरेट ऑडिट के पोस्ट निकला हुआ है, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन पुणे के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हुआ है, एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेशन ऑडिट के वैकेंसी निकला हुआ है, इम्पोर्ट मैनेजर इम्पोर्ट के जो है वैकेंसी निकला, एग्जीक्यूटिव मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। ऑल ओवर द यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो है ऑल ओवर वैकेंसीज यहाँ पे निकला है, जिसके रिगार्डिंग आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिसका ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके आप लोग क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं सैलरी के। सो फ्रेंड, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पहला जो है सैलरी जो है 18,000 से 35,000 तक सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा। इसी के साथ साथ जो आप लोगों को बताऊँगा, एज लिमिट जो है 21 ईयर्स से आप लोग मिनिमम जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स दिया गया है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर नहीं मैंशन किया है। तो अगर आप अभी यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी यहाँ पे आपको पास अगर होता है तो आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। आपके फ़ोन से यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, एप्लीकेशन करने के लिए नीचे दिया हुआ लिंक को जो है आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है एशियन पेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा, देन आप लोग वहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल सीवी सब कुछ डिटेल आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद जो है वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के बाद उसके बाद कुछ ही दिन के बाद अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड होता है तो देन आप लोग वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा एंड वहाँ से जो है आपका जॉब मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा, ये जो जॉब मैंने बताया ओनली ऑन इंटरव्यू के थ्रू जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो देख आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन में अगर आप चाहते हैं तो जाके आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करना मत भूलें, फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज भी दिया है, अगर आप और भी लेटेस्ट अपडेट जॉब नोटिफिकेशन जानना चाहते हो वहाँ पर जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर जाके भी आप लोगों को सारे डिटेल जो है मिल जाएगा। और कुछ जानकारी चाहिए तो ये कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।